हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मेल्टन पोकेमोन गेट कैसे करें, जो कि अनलिमिटेड गेट कर सकते हैं आप 1 घंटे तक। तो गाइस, सबसे पहले आपको मिस्ट्री बॉक्स गेट करना होगा। मिस्ट्री बॉक्स जब आप ओपन करोगे तो आपको 1 घंटे तक मेल्टन ही मेल्टन मिलेंगे, और उनमें से आपको कुछ शाइनी मेल्टन भी मिल सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पोकेमोन होम। पोकेमोन होम सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, ये 75 MB का ऐप है जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसे परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। तो गाइस, मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चुनूँगा। इंग्लिश चुनने के बाद यस पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर रीजन चूज़ करना है। तो आपको एशिया पैसिफिक पर क्लिक करके जापान पर क्लिक करना है। जापान पर क्लिक करने के बाद यस करना है। फिर गाइस, यहाँ पर मंथ चुनना है। मंथ के बाद डे चुनना है। डे के बाद ईयर चुनना है, जो कि आप गाइस अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को टिक लगा देना। आई एग्री टू द टर्म ऑफ यूज़ एंड आई एग्री टू द प्राइवेसी नोटिस। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद लिंक और अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर यस आई एम श्योर एंड वुड लाइक टू लिंक, इस पर क्लिक करने के बाद लिंक और अकाउंट पर क्लिक करना है। गाइज, यहाँ पर आपको क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको अकाउंट लिंक करना होगा, जिससे आपकी पोकेमोन गो में आईडी जो है वहीं वही आईडी इसमें लॉगिन करनी है। तो गाइज, मैं पोकेमोन गो की आईडी इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज, ये लॉगिन करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, जो कि आपके मैसेज में नहीं जीमेल में आएगा गाइज। तो गाइज, मैं इसे वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज, मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया था और ये लॉगिन हो चुकी है। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ। गाइज, पहले मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर यस कर देना है। गाइज, अरे भाई जल्दी स्टार्ट होगा। गाइज, थोड़ी सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। और गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको वो जीमेल से लॉगिन करनी है अपनी पोकेमोन गो की आईडी, क्योंकि फेसबुक से थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन हालांकि उससे भी हो जाएगी लॉगिन, बस थोड़ी सी दिक्कत जाएगी उसमें स्टार्ट करने में, मतलब आईडी लॉगिन करने में। तो आप जीमेल से करोगे तो आपको आसानी जाएगी लॉगिन करने में, इसलिए पोकेमोन गो की आईडी जीमेल से बनाना आप। तो गाइस, इसे लॉगिन होने के बाद इसमें थोड़ी सा डाटा डाउनलोड करने होगा, जो कि 38 MB का है, मतलब 38 MB का। तो गाइस, ये हो रहा है। तो गाइस, मैं इसे डाउनलोड होने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, डाटा डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये हो जाने के बाद मतलब इसे कट कर देने, यहाँ पर गाइस कुछ नहीं करना है। फिर गाइस, आपको पोकेमोन गो ओपन करना है। पोकेमोन गो ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ पोकेमोन गो ओपन हो जाए। तो गाइस, पोकेमोन गो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको पोके बॉल पर क्लिक करना है। पोके बॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर सेटिंग है कॉर्नर में, तो सेटिंग पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे पोकेमोन होम का ऑप्शन होगा। तो गाइस, पोकेमोन होम पर क्लिक करना है। पोकेमोन होम पर क्लिक करने के बाद गाइस, इसे सिंग इन करना है। सिंग इन मैं कर लेता हूँ गाइस, वही वाली आईडी खोलना है यहाँ पर। तो गाइस, मैं सिंग इन करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, सिंग इन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पोकेमोन का ऑप्शन आएगा। तो गाइस, सेंड पोकेमोन पर क्लिक करना है और गाइस, यहाँ पर कंटिन्यू पर करना है। गाइस, मेरी ये न्यू आईडी है, तो मेरे पास एक ही पोकेमोन है, आपके पास तो बहुत सारे होंगे, तो आप उनमें से कोई भी सेंड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर स्क्वर्टल को सेंड करूँगा। यहाँ पर चुनने का नेक्स्ट करना है और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करना है। ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा होगा और गाइस, ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है। तो गाइस, पोकेमोन सेंड हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
तो गाइज यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। आपको ये बता रहा है कि आपको मिस्ट्री बॉक्स मिल चुका है, तो गाइज इसे ओके पर क्लिक करना है, फिर डन पर क्लिक करना है, इसे कट कर देना है। गाइज फिर यहाँ पर पोकेबॉल पर क्लिक करके आइटम पर जाना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स आ चुका है। तो गाइज इसके बाद आपको मिस्ट्री बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर गाइज ओपन पर क्लिक करना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसा होगा, ओपन हो जा भाई। तो गाइज ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि कुछ अमेजिंग से दिख रहा था। गाइज फिर ये ओपन हो चुका है मेरे ख्याल से। अब आपको आगे पीछे होना, देख गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइमर चल रहा है, 59 मिनट, मतलब आपको बता रहा है कि आपको इतने टाइम तक आपको मेल्टन ही मेल्टन मिलेंगे। तो गाइज ये कौन सा पोकेमोन है, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट भाई हो जा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये भी मेल्टन है। तो गाइज मैं इसको पकड़ के दिखाता हूँ। गाइज ऐसे ही आप 1 घंटे तक ऐसे अनलिमिटेड मेल्टन पकड़ सकते हैं। तो गाइज वो टाइम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप मतलब आगे पीछे होगे तो आपको मेल्टन ही मेल्टन दिखेंगे। और गाइज आप पकड़ सकते हो अनलिमिटेड 1 घंटे तक, और गाइज उनमें से कुछ आपको शाइनी मेल्टन भी मिल सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था जो कि मैंने बता दिया है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस यही था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।